बेटियों के पीले हाथ कराने के एवज में गरीब परिवारों से करोड़ों रुपए जमा कराने वाले गिरोह की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। सीआरपीएफ सेवानिवृत्त कमांडो हिदायत खान कांग्रेस नेता ने इस मामले में एसपी नरेंद्र सिंह बजारनिया से लेकर उपायुक्त धीरेन खड़गटा तक को शिकायत कर दी है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को हिदायत खान कमांडो ने उनके सहयोगियों ने उपायुक्त धीरेन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन भेजकर शादी कराने वाले गिरोह के सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें कि हरियाणा के मेवात तथा राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कुछ गिरोह काफी समय से गरीब लड़कियों की शादी कराने की एवज में लाखों रुपए जमा कराते हैं और फिर दहेज में से उस रकम के बदले डबल रकम का दहेज देने का लालच देकर बड़ी तादाद में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कुछ सफल शादियां कराने के बाद लोगों में इस गिरोह ने विश्वास जमाने की भरपूर कोशिश की, जिसके चलते उनके पास लोग अपनी बेटियों के हाथ पीले कराने के लिए लाइनों में लगकर रकम जमा कराने पहुंच गए। दावा है सैकड़ों करोड़ रुपए इनके पास जमा भी हो गए, लेकिन राजस्थान पुलिस में जैसे ही इस गिरोह की शिकायत हुई तो वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन हरियाणा में अभी भी गरीब लड़कियों की शादी का यह खेल जारी है। कांग्रेस नेता हिदायत ने जिले के दोनों आला अधिकारियों से इस गिरोह के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर तत्परता से जांच कराने की मांग की है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हिदायत खान के मुताबिक इस गिरोह ने भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। सबसे खास बात यह है कि अगर पता लगाया जाए कि यह रकम कितने लोगों ने जमा कराई है, क्या कहीं अन्य जगह से भी इनका कोई संबंध है, तो बड़ा खुलासा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर मामला लगातार मीडिया में सुर्खियां बिटोर रहा है, जिससे शादी कराने वाले गिरोह से जुड़े लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। हिदायत खान का दावा है, कई गिरोह के सदस्यों ने तो उनसे सीधा संपर्क किया और कानूनी कार्रवाई न करने की बात उनके सामने रखी, लेकिन कांग्रेस नेता हिदायत ने साफ शब्दों में कह दिया कि कानूनी कार्रवाई करा कर ही दम लिया जाएगा। आपको बता दें, हरियाणा तथा राजस्थान के मेवात क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए इन एजेंटों के पास रकम जमा कराए थे, लेकिन एजेंट रकम वापस लौटाने का झूठा प्रलोभन दे रहे हैं। मीडिया में मामला सुर्खियों में आने के बाद कुछ एजेंटों ने दहेज का आधा अधूरा सामान भी लोगों को दिया है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर शिकायत होने के बाद ऐसे लोगों की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। मामला तो यहां तक सामने आ रहा है कि इन गिरोह के साथ कुछ यूट्यूबर भी जुड़े हुए हैं, जो इनके द्वारा आयोजित कराई जाने वाली शादियों के प्रचार प्रसार में काफी समय से अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर डीसी धीरेन्द्र तथा नरेंद्र बजारनिया एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से शादियों के नाम पे फ्रॉड एक बड़े लेवल पर घोटाला चल रहा है, जो कई हजार करोड़ का स्कैम है। अपने आप में बड़ा, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा घोटाला है और इसका बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। प्रशासन से मैं परसों एसपी साहब से भी मिला, क्योंकि परसों साहब डीसी साहब मौजूद नहीं थे। मुझे अभी डीसी साहब को ज्ञापन दिया मैंने, डीसी साहब के मार्फत सीएम साहब को भेजा है और अभी मैं डीसी साहब से मिल के आया हूँ। ये मामला ये जो राजस्थान से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है, हरियाणा में भी 5-6 गिरोह सक्रिय हैं। ये शादियों के नाम पे बड़े लेवल पे एक मामला चल रहा है। हमारे पास 4 कंप्लेनेंट पहुंचे थे, 2 सैकुल के खिलाफ जो राजस्थान के जो बड़े एजेंट थे, और 2 इसके मौलाना अरशद के खिलाफ 2 कंप्लेनेंट पहुंचे थे, कयूम नाम के और मुबारक नाम के, और दोनों ही जिनका हमारा यह नूह जिला लगता है, तो वो हमारे कमांडो कार्यालय पहुंचे तो उनसे पता चला कि उनके साथ भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है। उनके पैसे जमा कर लिए, उनको सामान नहीं दिया गया, बेटी की शादी है तो ठीक। डीसी साहब से मिले हैं, क्या भरोसा मिला है? डीसी साहब ने कहा कि बिल्कुल इस पे बड़े लेवल पर हमारी जांच है, इस पे हमारी नजर बनी हुई है और ये हमारे नजर में है, और बिल्कुल इस पे बड़े लेवल पे कार्रवाई हम करेंगे, बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे, और जितने भी शिकायत करता है वो फौरन इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और जितना जल्दी हो सके दर्ज कराएं। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि भाई शिकायत करता हमसे कमांडो टीम से आके मिल सकते हैं। जिनका भी हरियाणा के अंदर किसी भी एजेंट ने, किसी ग्रोह ने पैसा जमा कर लिया और सामान नहीं दिया है या पैसा नहीं मिला, वो फौरन आए और मुकदमा दर्ज कराए अपने अपने थानों में। अरशद जो मौलाना है, आपके आपको लेकर एक वीडियो जारी किया उन्होंने, उस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उस वीडियो को मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वो सफाई दे रहा है कि मैं एक एक आदमी का पैसा चुकाऊंगा, सबकी शादी कराऊंगा, सबको पैसा दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उसके गुमराही में ना आए, आप मुकदमा दर्ज कराएं तभी जाकर ये पैसा मिलेगा, अदरवाइज ये लोग फिर रास्ता कोई नया खोज लेंगे। आपको फौरन सभी जितने शिकायत करता है, जितने पीड़ित है, फौरन मुकदमा दर्ज कराएं, तब जाकर इनका पैसा भी मिलेगा, आगे इनकी शादी का सामान भी, जो भी कुछ ऐसा कुछ होगा तो उसका मिल पाएगा। नहीं तो ये लोग कहीं भी फरार हो सकते हैं, भाग सकते हैं, वीडियो तो कहीं से भी कोई बना सकता है। इनको आमने सामने आके मिलना चाहिए और शिकायत करता हूं कि शिकायत दूर करनी चाहिए।
ईद के बाद एक बड़ा खुलासा, बड़ा बवाल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर बेटियों के सामान का दहेज जो नहीं मिला तो क्या कहना है? बिल्कुल, रमजान की वजह से लोग शांत है, इसीलिए लोग सड़कों पे नहीं है, कहीं ना कहीं लोग परेशान है। ईद के बाद बड़े लेवल पर बिल्कुल हम SDM से परमिशन लेकर बड़े लेवल पर पूरे शिकायतकर्ताओं के साथ में संघर्ष करूंगा और एक एक शिकायतकर्ता के पैसे दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। आवाम से अपील करते हैं कि जिम्मेदार लोग आगे आओ और इस तरह के स्कैम को ना चलने दें, क्योंकि ये मौलानाओं के नाम पे एक बड़े भेड़िया के रूप में आदमी घूम रहा है। मैं बड़े उलेमाओं से गुजारिश करता हूं, क्योंकि हम तो जाहिल हैं, अनपढ़ लोग हैं, हमें इतने बड़े आलिम नहीं है, हम इसके बारे में बयान तो नहीं दे सकते इस चीज को लेकर, उलेमा को लेकर। लेकिन मैं अपील करता हूं जिम्मेदार लोगों से, चाहे हमारे मौलाना राशिद मील खेड़ा साहब है, चाहे मुफ्ती जाहिद साहब है, बड़े उलेमाओं से, मैं आपसे कहता हूँ, मीडिया से गुजारिश करता हूँ, आप बड़े आलिमों पर जाओ और इसके बारे में पता चलो, पता करो ये उलेमा है या नहीं है, ये आलिम है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आलिम ऐसा नहीं कर सकता, और ऊपर से रमजान का महीना सवाल ही पैदा नहीं उठता, जाहिल भी नहीं कर सकता। आखिर ये लोग किस रूप में, किस भेड़िए के रूप में घूम रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।